नमस्कार, NBC हिंदी न्यूज के बॉलीवुड बफ में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कनक माथुर। आज मैं आपको न्यू फिल्म झूठ का मूवी रिव्यू बताने जा रही हूँ, जिसे देखकर इस फिल्म का आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको यह फिल्म देखनी चाहिए या फिर नहीं। बॉलीवुड के शहनशाह अमिताभ बच्चन की दमदार एक्टिंग की तो दुनिया दीवानी है। अमिताभ बच्चन की फिल्म झूठ शुक्रवार यानी कि 4 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म को दर्शकों से खूब प्यार मिल रहा है। वैसे तो बॉलीवुड में कई फिल्में स्पोर्ट्स को लेकर बनी है, लेकिन यह फिल्म आपको सिर्फ फुटबॉल जैसे खेल को नहीं दर्शाएगी बल्कि समाज के पीछे छूटे भारत को भी दिखाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। बताते चलें कि इस फिल्म के डायरेक्टर नागराज पोपट राव मुंजले हैं। इस फिल्म की कहानी नागपुर के झुग्गी बस्ती से शुरू होती है, जहां के बच्चे से लेकर युवा तक चोरी, नशा, चेन स्नेचिंग, मारपीट, दंगा, ड्रग्स व इस तरह के सब काम करते हैं। झुग्गी के इन बच्चों को समाज की गंदगी कहा जाता है, लेकिन विजय बरसे, जिनका किरदार अमिताभ बच्चन निभा रहे हैं, जो इसी झुग्गी के पास बने कॉलेज में प्रोफेसर है, उन्हें इन बच्चों में गंदगी नहीं बल्कि हुनर दिखता है। वहीं विजय अपना खुद का पैसा लगाकर झुग्गी के बच्चों को न केवल फुटबॉल का मैच खिलाते हैं बल्कि एक टीम तैयार करते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है और क्या समाज हाशिए पर पड़े इन बच्चों को अपने बीच में जगह देता है, आप इस फिल्म में देखेंगे। आपको बता दें कि इस फिल्म की कहानी हो या फिर किरदारों की एक्टिंग, सभी ने फिल्म में बखूबी काम किया है। फिल्म की कहानी 3 घंटे की है, लेकिन इस फिल्म में बहुत सारे किरदारों की जिंदगी पर ध्यान दिया गया है, जिसके कारण फिल्म की कहानी थोड़ी लंबी हो गई है। फिल्म में एक मास एंटरटेनमेंट है, तो आप इस फिल्म को अपने किसी भी नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। वहीं मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार मिलेंगे। बॉलीवुड की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए NBC हिंदी न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। हमारे वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।